गोबिंदगढ़ दे विच सीएम अरविंद केजरीवाल दे वल्लों रोड शो कढ़िया जा रहा, आप उम्मीदवार दे हक दे विच चोण प्रचार किया जा रहा है। केवल दिल्ली और पंजाब छोड़ के किसी राज्य में बिजली का बिल जीरो नहीं आता। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई स्टेट उठा लो, इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। आप बड़े किस्मत वाले हो, आपने ईमानदार पार्टी को वोट दिया था। मोहल्ला क्लिनिक बनने लगे, यहाँ पे आम आदमी क्लिनिक बनने लगे। कौन कौन गया आम आदमी क्लिनिक देखने? अच्छे हैं, दवाइयां फ्री मिलती है, डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, चंगा। अब स्कूल भी अच्छे कर रहे हैं हम लोग, पूरे पंजाब के अंदर सारे स्कूल अच्छे कर रहे हैं। जहां मोहल्ला क्लिनिक नहीं बने, मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हैं। अस्पताल बड़े बड़े बना रहे हैं। पिछले 2 साल में भगवंत मान साहब ने 46,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दी है, 46,000 बच्चों। और सारी नौकरियां, एक भी पैसा नहीं लिया किसी ने, एक लिया पैसा किसी ने? बिना पैसे के, बिना सिफारिश के पहली बार 75 साल में पंजाब में सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। मिल रही है कि नहीं मिल रही? बड़ी बात है, ईमानदार सरकार है, बड़ी बात है। बच्चों को पक्का कर रहे हैं, जितने अपने कच्चे कर्मचारी थे एक 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 करके सबको पक्का कर रहे हैं। और भी बहुत काम चल रहे हैं, 2 साल कुछ भी नहीं होते, अभी और बहुत काम करने हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे को छोटा भाई मानते हो? मेरे को छोटा भाई बड़ा भाई मानते हो? भाई मांग सकता आपसे कुछ? दोगे? तो आपने 117 में से 92 सीट दी थी पिछली बार। पूरे पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, पूरे देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार 13 की 13 दे दो, इस बार 13 की 13 दे दो। मंजूर है? क्यों चाहिए 13? 13 इसलिए चाहिए क्योंकि ये केंद्र सरकार गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। और गलत तो नहीं कह रहा? आपने सुना, 2 दिन पहले अमित शाह लुधियाना आए थे, लुधियाना में धमकी दे के गए हैं। सुना आपने? वीडियो देखा? अमित शाह कह के गए हैं, पंजाबियों 4 जून के बाद तुम लोगों ने जो सरकार बनाई है पंजाब में, उस सरकार को मैं बर्खास्त कर दूंगा और तुम्हारे मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटा दूंगा। ये क्या बदतमीजी है यार, ये तो गुंडागर्दी है कि नहीं है? अमित शाह कौन होता है हटाने वाला? अमित शाह कौन होता है सरकार बर्खास्त करने वाला? पंजाब के लोगों की सरकार है, 117 में से 92 एमएलए है, फिर भी धमकी देके जा रहा है। इतनी हिम्मत हो गई उसकी, पंजाब के लोगों को धमकी देके जा रहा है? मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों का, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, प्यार से मांग लेता, एक आध सीट दे देते। अब धमकी दी है, इस धमकी का बदला लेना 1 तारीख को, पंजाबियों 1 तारीख को धमकी का बदला लेना है। मंजूर है? इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, बताओ। मेरे को कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, मैं कहता हूं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में ईमानदार कोई नहीं है। मेरे को क्यों गिरफ्तार किया? मेरे को डरते हैं किस चीज से? 16 मार्च को देश में चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को मेरे को गिरफ्तार कर लिया ताकि केजरीवाल पूरे देश में घूम घूम के प्रचार ना कर सके। ये डरते हैं,
इनको यह डर था कि केजरीवाल पूरे देश में घूम गया, मोदी की 30-40 सीट कम हो जाएंगी। लेकिन भला सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोला जा केजरीवाल जा प्रचार कर ले, और आज मैं आपके बीच में आ गया। 21 दिन का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, मैं आप लोगों के बीच में आ जा पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को इजाजत दी है। अब इनको असली मजा चखाना, तानाशाही कर रखी है इन्होंने, गुंडागर्दी मचा रखी है। दिल्ली में मेरे को गिरफ्तार कर लिया, झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, अब धमकी दे के जा रहे हैं पंजाब में भगवंत मान को हटा देंगे। इनके पिताजी का देश है, देश हमारा है, हमारा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, डरा रहे हैं हम लोगों को। अरे हम भगत सिंह के चेले हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। भगत सिंह देश को आजाद करने के लिए फांसी पे चढ़ गए, जेल गए थे, हम देश को बचाने के लिए जेल जाते हैं दोस्तों। ये जितने मर्जी दिन ये जेल से डराना चाहते हैं, केजरीवाल जेल से डरने वाला नहीं है, केजरीवाल को जेल से नहीं तोड़ सकते, जेल से नहीं झुका सकते, दुनिया की कोई ताकत मेरे को चुप नहीं करा सकती। जो मैं इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, हमेशा उठाता रहूंगा इनके जुल्म के खिलाफ आवाज। अब 1 तारीख को वोट देने जरूर जाना है, गर्मी बहुत पड़ रही है, घर मत बैठ जाना, आलस मत करना, अपनी गली का एक एक वोट निकालना है, अपने पिंड का एक एक वोट निकालना है, जो जो झाड़ू का वोट है सारे वोट पड़ने चाहिए। जीपी को जानते हैं सब लोग, एक बार ताली बजा दो जीपी के लिए। तीसरे नंबर पे बटन है इनका, झाड़ू तीसरे नंबर पे, याद रखना तीसरे नंबर का बटन दबाना है और जीपी को रिकॉर्ड मार्जिन से जिताना है। बोले सोनिया।